कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी लड़कियां हैं और वैसे भी फीमेल कंटेस्टेंट है, तो वो था कि क्रॉस फायर में अगर लड़कियों को लग जाती या क्या कि कुछ हो जाता तो दिक्कत हो जाती। सो इट वाज लाइक कि फक डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप प्लीज, मुझे नहीं नहीं प्यार से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सो जब शिवित की फाइट हुई एंड शिवित गिरा भी, उसको चोट भी लगी, सो आई थिंक गर्मा गर्मी में एक दूसरे पे वो हुआ और पीछे छुड़वाने में ऑनेस्टली पता है जब ये फाइट शुरू भी हुई थी ना, लाइक फ्यू सेकंड वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, किसी को समझ में नहीं आया कि किसने पहले मारा, क्या हुआ। जिन लोगों के बीच में हुई है मे बी दे नो इट बेटर, बट हम लोग जो देख रहे थे एज ए ऑडियंस, हमें इतना उस टाइम पे इट वॉज लाइक 3-4 seconds एंड इतना जल्दी फाइट हुआ दैट वी डिडंट इवन नो लाइक क्या हो रहा है, एंड आई वाज लिटरली स्केयर्ड एंड एवरी गर्ल एवरीवन वाज स्केयर्ड। ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए तो ये था कि यार मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों लड़ाई हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव नॉट वॉच रोडीज, हम दोनों ने रोडीज रियलिटी शो ये सब देखा नहीं, हमें नहीं पता। एंड ऑनेस्टली पहले हम लोग इतने शांत भी इसलिए थे बिकॉज उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो रोडीज से होते आ रहे हैं और हम लोग का रोडीज से आज तक कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाइल सचिन केम इन द रूम वेल डन और शी क्रॉस हर लिमिट वेयर शी डिड इन द रूम बाय सिटिंग ऑन हिज लैप। आई मीन सी, आई टेल यू माय पॉइंट ऑफ व्यू देन यू टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ शी सचिन के साथ उसका पास था और वो लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो भी था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो जसवंत की गोदी में आके बैठे बिकॉज उसका नया कनेक्शन है, दैट इज ओके, बट किसी को जलाने के लिए, जबरदस्ती दिखाने के लिए, टीज करने के लिए, व्हेन शी नो दैट ही इज इमोशनल एंड इज गोना अफेक्ट हिम, आई वोंट टेक दैट साइड एंड आई वोट मी एज अ पर्सन आई वुडंट डू द सी। इफ मुझे पता है सामने वाले को हमारे साथ रहने से कोई प्रॉब्लम होगी तो आई वोंट। सो आई टेल यू, जो सचिन के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि सचिन को क्लोजर नहीं मिला था। सो क्लोजर ये है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे जहाँ से मेरे को सचिन ने जो बात बताई कि वो अचानक से गायब हो गई घर से, उसके बाद उन लोग ने बात नहीं की, दे मेट एट द रियलिटी शो, सो देयर वाज नो टॉक नथिंग। उसने बोला भाई मैंने देखो 70-80-150 कॉल कर दी, तूने उठाया नहीं। सो जब क्लोजर नहीं होता ना, सो बहुत सारी बातें आधी रह जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट टू लाइक अगर मैं किसी और को डेट करता और मेरी एक्स होती उधर, तो मैं पहले उससे बात करता, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को हग करके या वो करता। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड। ओके, कंटिन्यूस वन क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग शिवित, व्हाई यू नॉट सपोर्टिंग शिवित? आई एम नॉट सपोर्टिंग शिवित, व्हाई? ही वो किसी को सपोर्ट नहीं, अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं गाइस, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मेरे को नहीं पता था कि आप वहां देख रहे, जब इनकी फाइट हुई भी, एंड आई वाज लाइक कि हुआ क्या है, क्या हुआ, हम लोग ने अलग अलग किया। सो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आई रियली वांटेड टू नो कि शिवित का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या स्टोरी है, क्यों है ये। फिर पता चला बहुत सारी चीजें हैं कि बाहर सोशल मीडिया से भी आई, रोडीज से भी आई, चीजें आई। सो मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं किसी के बारे में जान ना लूं तो उसमें घुसना या चीजें करना, तो मेरा एक और चीज है कि आपको एक साइड की स्टोरी पता है, आपको दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात पता है, आपको पूरा होल सिनेरियो नहीं पता। तो जब तक आपको कुछ आधी अधूरी बात पता है तो आपको उस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी, फिर मैं ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी जो उस सिचुएशन में हुआ है तो वो गलत होगा सेकेंड पर्सन के लिए। अभी तो यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी एक्स ये आए कंटेस्टेंट, अभी चीजें होंगी, बहुत आगे चीजें होंगी। गाइस मैं जब बोलता हूँ ना कि इस पिच फिल्म में मैंने अपने धन मन धन खून सब दिया भाई, मैं वो 100-103 बुखार, मेरी बहुत हालत खराब, बट स्टिल वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई रियली वांट कि ये जर्नी आप देखो, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। एंड आपको लग रहा है हम कंफर्टेबल हैं? यू आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल वन। नहीं, हम लोग कंफर्टेबल थे अभी। सो सी, सो आस्क एनी लाइक एक्स कंटेस्टेंट एंड उनको ये बोला गया था कि जो जो अलग से कपल देखेंगे ना, लाइक द मोस्ट क्यूट कपल, वो है आइडियल मैच। सो वो लोग जब आए और उन लोग ने हम लोग को देखा एंड पीपल वर लाइक स्टेयरिंग। इज नॉट स्क्रिप्टेड। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूं, मैंने कोई मतलब ऐसे रियलिटी शोज नहीं किए हैं। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वाज अ डिफरेंट थिंग। स्पेशलाइज नॉट स्क्रिप्टेड, आई एम टेलिंग यू। अगर आप मुझे जेन्युइनली एज अ पर्सन जानते हो, मैं सच बोलती हूँ, मैं आई हैव बीन ऑलवेज फेयर अबाउट थिंग्स।
वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट स्क्रिप्टेड इट्स लाइक अगर किसी को गेम इट्स अ गेम शो यू हैव टू प्ले अ गेम टू विन सो पीपल प्लान थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे डू इट चैनल इज नॉट आस्किंग देम टू डू इट दे हैव देयर फकिंग ब्रेन्स दे कैन यूज इट सी आप देखो कोई भी जब आप नेशनल टेलीविजन में आते तो ऑनेस्टली सब आते हैं हीरो बनने के लिए है ना कि मैं हीरो दिखूं ये बट ये आपकी पर्सनैलिटी आपके ट्रेट्स हैं क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट राइट सो आप कोई पैसे तो दे नहीं रहा कि आप आपको से वो नेगेटिव लीड या विलेन या कुछ करवा दें सो दैट्स वाज द प्रॉब्लम तो इसमें स्क्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर सिर्फ स्क्रिप्ट पे ही चलता है इंसान तो फिर उसकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आता contestant also going to explore date and find my new person they knew that their ex was there so they got to know before us we didn't know but split, they were told by Urfi I guess yaar to be very honest मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्सेस को उन लोगों ने दिखाया सो ऑफ कोर्स आप जब अपने एक्स को देखोगे तो प्रोवोक हो जाता है इंसान व्हाट्स योर व्यूज ऑन डिकीला एंड अग्नि के क्यूट I think cute. अभी आप आगे देखोगे. Very cute. I won't talk to you, Harsh. Why? Hey guys, love from Mauritius. Guys, exhibition. First hat on race. I want you guys. I want to meet you all. Just come. आज के टास्क का रिजल्ट ये होगा कि तुम लोग एग्जीबिशन आओ हम लोग के साथ बैठो फिर हम लोग तुम लोग को ये भी बताएंगे कौन जीता We'll have sandwiches together. Please support Shivit. भाई देखो पता क्या होता है कि आप किसी को भी मतलब कोई अगर खराब भी हो और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो वो बेकार हो जाएगा मतलब पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा एक मिनट कंटिन्यू करने दो तो सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मतलब आपको समझ में आ रहा है आप लोग देखते हो शो आपको पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है किसने किसको प्रवोक किया तो मुझे नहीं लगता उधर किसी की भी सिंपति या किसी का भी सपोर्ट मायने रखता है आपका सपोर्ट मैटर करता है और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो आप मुझे सपोर्ट करो रुशाली को नहीं अपुन जो बोल रही अब तूने बोल दिया लोग नहीं वो कुछ बोल रहा था काट रहा और भाई अच्छा हाँ वैसे उसको प्रॉब्लम है भाभी भाभी से कल शोभिका ने बोला था भैया की डिड यू हैव अ फाइट विद शिवित यू विल सी the episodes and you'll get to know har cheez hum bata denge fir aap bologe har cheez bahar kar di hai pehle se aap logo ne bata diya ab hame maza hi nahi aa raha to fir wo bhi blame hum pe aayega pehle aap question bhi humse poochte ho fir jawab bhi humse mangte ho aur fir blame bhi hame karte ho guys it's a love show do you think we will arrive by jumping into play see they have a I think unka pehle se kuch छत्तीस का आंकड़ा है फ्रॉम रोडीज फ्रॉम छत्तीस का छत्तीस का आंकड़ा मैं वर्ड्स कहाँ कहाँ से लेके आती हूँ तो वो आपका अगर किसी से दुश्मनी होगी आप उस बंदे को सामने लेते हो तो आप कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स निकल जाते हैं वो चीज हुई वहाँ पर वो एक दोनों एक दूसरे से ट्रिगर हो गए सो मैं बता दूँ हुआ क्या था एग्जैक्टली सो लक्ष्य आया चल के और अनिका वॉज गेटिंग ट्रिगर अच्छा हाँ यार तो कोई यार आप जिससे प्यार करते हो जिसके साथ आपका कनेक्शन हो उसके उसको किसी चीज से डर लगेगा ऑफ कोर्स यू विल टेक स्टार्ट पैनिक हो रही थी जो शिविर ने उसको बोला मत कर तो उसने बोला तू क्या बाउंसर बन के आ रहा है तू इसको प्रोटेक्शन देगा इधर से बिकॉज लक्ष्य आके चीजें बोलने लगा एंड उधर से दिग्विजय ने वो शिविर को बोला कि तू मत बोल ये नहीं है सो इतनी चीजें हो गई ना उसमें सो क्या हो रहा था कि बिकॉज अनिका इतना रो रही थी इतना पैनिक कर रही थी कि उस टाइम समझ नहीं आया वो मना कर रही शिवित मत करो ये लोग गए मेरे को लगा लिटरली बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है यू कांट रेज हैंड आप ऐसा नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते बट हो गया यार मेरा तो रियल है बाकी को बता दी रुशा जी ओके आई शुड लुक सुपर बॉडी थैंक यू सो मच योर जर्नी इन वर्ल्ड वन वर्ड माय जर्नी वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड इट वाज नॉट कंफर्टेबल सो यू विल गेट टू नो व्हाई अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड आई वाज नॉट वेल आई वाज लाइक फक बट
अजय आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ यार। मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे शो में बेस्ट फ्रेंड है एडी, शिविर, अरबाज और कौन था, बस यही थे यार, यही तीन लोग थे जिससे मेरे को वो था। अर्ज भाई रोडीज वालों को कुछ असाइनमेंट दिलवा दो, फालतू बच्चों वाली लड़कियों यार। बताए क्या ना, इस सीज़न में आपको रोडीज इतने 8 कंटेस्टेंट रोडीज के डाल दिए, तो वो इतने ज़्यादा बजे, बट कल के एपिसोड में वी वर लुकिंग वेरी हॉट, द रेड वॉज लुकिंग डैम। भाई भाई रोशाली का बर्थडे बोल दो, 16th July। एनीवन हिच नहीं यार, किसी की हिम्मत है क्या उसको दुनिया में रहना है कि नहीं, मुझे मार के थोड़ी रह पाएगा। वो लुक सो क्यूट। वन वर्ड फॉर शिविर तनिका इज लाइक कि भाई शिविर तनिका को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वायरफ की फिल्म चल रही है, दे वही क्यूट। शिविर तनिका रिलेशनशिप में है क्या हर्षदा? आर यू फ्रेंड्स विद शिविर तनिका? प्लीज टेक माई नेम। यस हाय जतन, हाय हाय हाय। यू एज यू हैव टू गन, डू यू थिंक यू विल गेट हेट फ्रॉम द ऑडियंस इफ यू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड? गाइस पता क्या होता है, एक एपिसोड से ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, और फिर चीज़ें है। बट क्या है ना, आप जैसे जब वो वाली किंग वाली बात निकली, सो पीपल वर लाइक यार हर्ष कौन है, ये क्या है, क्या फिर चीज़ें हुई यार। हम लोग कभी नहीं सोचते थे, दैट्स राज, हाय दैट्स राज मी। सो द होल पॉप अप इज अबाउट हिज कलेक्शन, ही इज अ डिजाइनर एंड अ फोटोग्राफर, हिज ब्रांड नेम इज ट्रोव लेबल एंड माइन इज मीनियोकर्स, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन ही मेक क्लोथिंग एंड आई डू फुटवेयर। So this whole pop-up was about that. So I wanted to stop by and say hi. So guys, go and follow me also. Hello, go and follow me. No. Hi Raj. Shantana. Shantana said hi Raj. Guys, please support and follow my brand as well. We'll make some back. Cool stuff, and you're gonna see my footwears in Splitsville also. I'll tell you the best part about the Mania Walker that I love is the socks. You have seen me wearing all shorts, like all neon, and that's my vibe. That's why I vibe with Roshali. We are very colorful, अब ये नहीं, अब प्लीज ये मन बोलना कि रोशाली के चक्कर में आप लोग हर्ष सेल्समैन बन गए। बट गाइस टू ऑर्डर सॉक्स, नहीं अब मैं बोला गाइस प्लीज टू ऑर्डर सॉक्स, तुम लोग ऑर्डर करोगे हम शादी करें। हाय रोशाली, हर्ष, हाय यार। शिविर ऑनलाइन नहीं है यार, नहीं तो ले लेता मैं, मेरे को क्या है शिविर को, क्यों नहीं लूंगा मैं, बट है नहीं, क्यूट। सो द रेड आउटफिट वॉज गुड and we were looking like, अच्छा बता दो कैसे लग रहा था लोग कल? सर प्लीज सपोर्ट मी, आई वांट टू वर्क इन टीवी सीरियल प्लीज सर। मैं यार कास्टिंग में नहीं हूँ भाई, क्या कर लेगा पूछा था ना बेटा, अगर दिग्विजय के हाथ पीआर पावर आ गई ना। बाबा एक बात बताओ, नहीं इतना हेट क्यों, हमने क्या बोला किसके रियल में, क्यों दिग्विजय से कंपेयर कर रहे हो पीआर? दिग्विजय के पास पावर आएगी भी ना, जा ये मैं बोल रहा हूँ, उस डोम का किंग हूँ मैं। So, देख लेंगे किसके पास पावर आती है कि नहीं, और कौन चेंज कर पाएगा वो भी देख लेंगे। Don't spread this these hate comments because we are least interested in fighting with anyone. And उनकी पावर, उनको आप सपोर्ट करो, आपकी अच्छी बात है, उनको ज्यादा प्यार मिले, ज्यादा फॉलोइंग मिले, ज्यादा प्यार मिले, we don't have a problem. बट ऐसे हेट कॉमेंट्स में डालो, दैट से यू नो आप वहाँ से बैठ के कॉमेंट्स कर रहे हो, और समटाइम्स नॉट ओनली फॉर अस, फॉर पीपल, अदर पीपल ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन, पीपल गेट ट्रॉमेटाइज, पीपल गेट डिप्रेस, पीपल ओवर थिंक अबाउट स्टफ, सो इट्स नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। स्टॉप डूइंग इट विद ऑल द कंटेस्टेंट्स, आपको नफरत है अपने तक रखो, ऐसे गंदे गंदे कॉमेंट्स करना बंद करो लिटरली। वो सब जो आज मेरे मैक से दो मसाले मिले, क्यूट। We are with you. Hello. Oh. You are sure. Chalo guys. I'm going over you. I'll see you. It's like. Okay, it's okay. Yeah, I got it. Okay. Meet Nishtha. Meet the most hype contestant on all fan pages was Nishtha. Ye wild card entry hai hamare Split Sula ki. Come and have a seat. Oh my god. So the wildest card. Wildest card.
where are you going? That's right. Ta-da. Who do you support me?